काशीपुर में वन विभाग ने दुर्लभ प्रजाति के पोंगोलिन सांप समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वह निर्दोष है। वास्तव में कुंडेश्वरी पुलिस ने इस दुर्लभ प्रजाति के साथ आधा दर्जन लोगों को पकड़ा था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया। बरामद पोंगोलिन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। काशीपुर की कुंडेश्वरी पुलिस ने एक व्यक्ति को दुर्लभ प्रजाति के एक अदद जीवित पोंगोलिन सल्लू सांप के साथ पकड़कर वन विभाग की टीम को सौंपा है। तस्करी के इस खेल का खुलासा होने के बाद काशीपुर व आसपास के क्षेत्र में वन तस्कर सक्रिय होने की संभावना बढ़ गई है। वन क्षेत्राधिकारी अभिलाष वीर सक्सेना ने बताया कि कुंडेश्वरी के केल मोड़ कुंडेश्वरी मार्ग पर ग्राम खरमासा के पास एक युवक के मोटरसाइकिल से कट्टे में पेंगोलिन ले जाने की सूचना पर पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान रामनगर के ग्राम धारी निवासी रणजीत सिंह के रूप में हुई है। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि यह दुर्लभ प्रजाति का सल्लू सांप है तथा बाजार में इसकी कीमत बहुत भारी है। इधर पकड़े गए अभियुक्त रणजीत ने बताया कि उसके साथ अन्य साथी को भी पुलिस ने पकड़ा था, जिन्हें उसी दौरान छोड़ दिया गया, जबकि उससे लालच देकर उन लोगों ने कार्य करने को यह कहा है। आपको बताते चले कि बीते एक दशक के दौरान 10 लाख से अधिक पेंगोलिन की तस्करी की जा चुकी है। यही वजह है कि यह दुनिया का सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाला जानवर बन गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक दुनिया भर के वन्य जीवों की अवैध तस्करी का योगदान पेंगोलिन का ही है। आपको यहाँ यह भी बता दें कि चीन और वियतनाम में इसका मांस खाया हुआ होने की निशानी मानी जाती है। पुलिस चौकी द्वारा हमको सूचना दी गई कि कोई व्यक्ति ये सल्लू सांप लेके कुंडेश्वरी मार्ग पर आ रहा है, तो हम भी मौके पर गए। वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पुलिस ने उसको पकड़ के वहाँ खड़ा करा है। हमने उसको फिर अपनी सुपुर्दगी में ले लिया है और बाकी जाँच अभी चल रही है। हम उसको कोर्ट में पेश। पकड़े गए व्यक्ति का नाम रंजीत कुमार। सर कितनी कितनी पैसे की लागत होगी मार्केट में इसकी, क्या करते हैं इसका? अब ये तो अभी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही मतलब दवाओं में और उसमें काम आने वाला है। अब इसका आकलन अभी मैं तुरंत तो नहीं हो सकता, बाकी मैं उसमें बाद में बता। नहीं, जैसा कि पकड़े गए व्यक्ति का कहना है कि उसके संग और भी लोग शामिल थे। जी, बयान तो वो जो व्यक्ति है वो बयान यही दे रहा है कि दो तीन नाम उसने और बताए हैं। बाकी जो हम जो अपनी तहकीकात जब वो होगी उसके बाद हम उसको उस पर भी कार्रवाई की। तो माना जाए कि क्षेत्र में इस तरह के तस्कर सक्रिय हो गए हैं। जी सर, ये तो क्योंकि पकड़ने से तो ऐसा ही पता ठीक होता है कि अब ये तो ये बताया जा रहा है कि ये कहीं और से लेके आया था, इसको फंसाया गया है। मगर अब ये जो हम अपनी जांच करेंगे उसमें पूरा उसका निष्कर्ष निकलेगा कि तो इन्होंने ये पेंगोलिन पेंगोलिन कहाँ से पकड़ा था? ये कुंडेश्वरी रोड से पकड़ा है। ये अचार पेंडिंग ये कौन सी कैटेगरी का है? ये शेड्यूल वन का प्राणी है, विलुप्त प्रजाति में आता है। करी में पकड़े गए हैं, क्या है मामला? जी सर, मेरा नाम रंजीत सिंह है। तो जो मेरे को इन्होंने फ़ोन करके बुलवाया था विमल वर्मा ने, और मेरे को जो है इन्होंने ये कहा था कि तुम मतलब मालिक बनना और तू कहना मेरा सामान है, और इन्होंने पैसे ले लिए थे उनसे और मेरे को कह रहे कि ये मालिक है, और सामान इन्होंने दिखा दिया था एक साइड में, और जो है इन्होंने मेरे को फिर गिरफ्तार कर लिया और इनको छोड़ दिया। इनको छोड़ दिया मतलब जो मेरे साथ के थे, सात बंदे। किसने छोड़ा? वो पुलिस वालों ने। कौन सी पुलिस ने छोड़ा? सर जो मतलब जो भी थे, पुलिस कहाँ की थी? पुलिस कोच दूसरी की थी और कोई बाहर की थी। अब तुम इनके साथ शुरू से थे या उसी? नहीं सर, मैं उसी टाइम आया था। मैं अपने मैं कादल करवा रहा था अपने खेत में, और इसने मेरे को कहा कि चलो एक 1.5 लाख रुपये ले। मैंने यहाँ आके बताया उसने, ये जो है 1.5 लाख रुपये मिल जाएगा, ये पैसे दिखा रहा हूँ तेरे को। ये सांप जो है ये कहाँ देना था आपको? जी सर, सांप की तस्करी कहाँ करनी थी? ये सर इन्होंने आगे सप्लाई कहीं करनी थी, मेरे को नहीं पता इस बात का सर, और जो है बात वो मैं बता रहा हूँ आपको जो भी है। और विमल वर्मा और सनी दोनों का नाम मैं जानता हूँ सर, और दूसरे बंदे जो हैं मोमदन बीच में थे चार, और उनका नहीं पता, एक बंदा और था उसका। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? विमल वर्मा सनी सर ये काशीपुर के रहने वाले हैं, बाजपुर रोड खाता। इस काम के लिए कितने पैसे आपको दिए जा रहे थे? सर मेरे को तो वही कह रहे थे 1.5 लाख रुपये मिल जाएगा। ये मेरी बाइक है, नई बाइक में लाया था घर से अपने, और दूसरी बाइक जो है जिसमें वो सामान लाए थे वो उनकी वहाँ खड़ी है, रोटी के अंदर।